गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 क्लास 11 लीनियर इनइक्वालिटीज। तो स्टूडेंट, हमने इस एक्सरसाइज के अंदर 6.1, 6.2 और 6.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं और मिसलेनियस के भी कुछ क्वेश्चन कर लिए थे अभी तक। तो अब जो इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट कर लेते हैं, इस चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने पिछले वीडियो में हो गए थे, कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 5x प्लस 1 ग्रेटर देन, क्वेश्चन नंबर 7, 5x प्लस 1 ग्रेटर देन माइनस 24, ग्रेटर देन माइनस 24। ओके, तो एक इक्वेशन तो ये है और एक इक्वेशन और दे रखी है, 5x माइनस 1, 5x माइनस 1 लेस देन 24। यहाँ पे वन वेरिएबल की दो इनइक्वेलिटी गिवन है, तो वहां पे क्या थी, अलग अलग हमने दो कंबाइंड थी, ये दोनों इक्वेशन जैसे कंबाइंड थी। अब यहाँ पे दोनों क्या हो गए, डिफरेंट। तो हमें वही सेम चीज करनी है जो पिछले क्वेश्चन में किया था, जैसे मिसलेनियस के जो 1 to 6 क्वेश्चन थे उसी टाइप से करना है, कंबाइन करना है एक्स की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी। ओके, तो यहाँ से 5x ग्रेटर देन माइनस 24 माइनस 1, तो यहाँ से है 5x ग्रेटर देन माइनस 25, x ग्रेटर देन माइनस 5। ये चीज क्लियर, इस इक्वेशन पे आते हैं, 5x लेस देन 24 प्लस 1, 5x लेस देन 25। ओके, यहां से है x लेस देन 5। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि x ग्रेटर देन है माइनस 5 और x लेस देन है 5। अब इसमें क्या होगा, इसमें कोई से पे भी सिंबल ग्रेटर का या लेस का नहीं है, तो आप इसका हम क्या करेंगे, पहले तो इसको लिख लेते हैं कैसे फॉर्म में लिखेंगे। देखिए, माइनस 5 ग्रेटर एक्स और एक्स लेस देन 5, एक्स ग्रेटर, ये आ गया, ये आ गई कंडीशन। देखिए कैसे आया, माइनस 5 लेस है या एक्स ग्रेटर देन माइनस 5 और एक्स लेस देन 5 है, एक्स ग्रेटर देन माइनस 5 और एक्स लेस देन 5 है, वही सेम चीज होगी जो पिछले क्वेश्चन में किया था। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज जरूर ध्यान रखें, यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या है, लेस देन या ग्रेटर देन ही इनइक्वालिटी है। ओके, तो जो यहाँ पे हमारा इनको ड्रॉ करेंगे, ये है माइनस 5, यहाँ है 5, ये क्या आएगा, ओपन में रहेगा। क्लियर स्टूडेंट, ये मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बताई है, ओपन में रहेगा, तो ये इसके बीच का जो भी है ये डार्क कर देंगे इरेज़। तो अब जो इंटरवल हमारा बनेगा वो इंटरवल कैसा बनेगा, वो आएगा ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल -5 to 5। तो यहाँ जो भी चीज है आपको क्लियर होगी होगी ये चीज क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करें या 9th, हम क्वेश्चन नंबर 9th कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, 9th क्वेश्चन आप देखिए, 9th क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए इसको मैं रब कर देता हूं, नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस 7 लेस देन ग्रेटर देन, 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 2 into x माइनस 6। एक इक्वेशन तो ये, सेकंड इक्वेशन क्या है कि 6 माइनस x ग्रेटर देन 11 माइनस 2x, 11 माइनस 2x। फिर वापिस चेक कर लेता हूं, 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 2 into x माइनस 6, फिर नेक्स्ट क्या है, 6 माइनस x ग्रेटर देन 11 माइनस 2x। ओके, तो इसने कहा रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 2x माइनस 12। क्लियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ क्या, x की टर्म्स को एक साइड रखा, 3x माइनस 2x ग्रेटर देन -12 प्लस 7। ओके, तो यहां से क्या है, x ग्रेटर देन -5। नेक्स्ट पे आते हैं, 6, अब -x प्लस 2x ग्रेटर देन 11 माइनस 6। ओके,
एक्स ग्रेटर देन 5। अब इसको इनइक्वालिटी कंबाइंड करके लिखते हैं, कैसे लिखेंगे कि माइनस 5 लेस देन एक्स ग्रेटर देन 5। ये इनइक्वालिटी बिल्कुल चेंज है, ध्यान से देखिए। वो कह रहा है इसमें x है ना माइनस 5 से तो ग्रेटर है, और x है ना 5 से भी ग्रेटर है, 5 से भी ग्रेटर और माइनस 5 से भी ग्रेटर है, x दोनों से ग्रेटर है। देखिए x ग्रेटर है, जिस साइड ये मुंह खुला हुआ है वो क्या होता है ग्रेटर, ओके? और जिस साइड यहाँ पे ये है एरो का सिंबल बनता है उस साइड क्या होता है लेस। तो x यहाँ पे दोनों साइड में ग्रेटर है, माइनस 5 से भी ग्रेटर है और 5 से भी ग्रेटर है। एक बार नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करता हूं, ये नंबर लाइन है, यहां माइनस इनफिनिटी और ये क्या इनफिनिटी, यहां माइनस 5 है और यहां 5 है। अब देखते हैं कि दोनों का कंबाइंड क्या होगा, माइनस 5 से ग्रेटर ये बना और 5 से ग्रेटर ये बना, क्लियर स्टूडेंट? अब यहां पे आप ये बताइए कि दोनों का कंबाइंड ये आया या नहीं आया यहां से यहां, फिर वापिस सुनिए, माइनस 5 से भी ग्रेटर एक्स और 5 से भी ग्रेटर है, माइनस 5 से ग्रेटर ये और 5 से ग्रेटर ये, तो दोनों का जो नंबर लाइन पे कंबाइंड है एरिया, जो भी कंबाइंड रीजन है वो यही होगा, ओके? तो यहां आ गया 5 टू इनफिनिटी। अब इनफिनिटी पे तो आप जानते हैं कि ऑलवेज ओपन आएगी, बात आती है कि 5 इसके अंदर है इंक्लूड है, 5 इसके अंदर भी इंक्लूड है और इसके अंदर है या नहीं है। अब इसके अंदर तो इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा, क्लियर स्टूडेंट? ये चीज आपको क्लियर होगी होगी कि यहाँ पे 5 ओपन कैसे आया है, क्लियर? तो अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लियर होगा ना स्टूडेंट, ये बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पे ओपन क्यों आया, मैं वापिस इस चीज को रिपीट कर देता हूं, यहाँ पे ओपन क्यों आया है, क्योंकि माइनस 5 टू इनफिनिटी कंप्लीट और फिर 5 टू इनफिनिटी, 5 टू इनफिनिटी पे गई है, 5 टू इनफिनिटी पे गई तो 5 टू इनफिनिटी ओपन पे है, यहाँ ये ओपन है। अब इसमें तो ये है बट इसमें ये 5 नहीं है, इसका मतलब 5 क्या आएगा, ओपन में आएगा। अगर 5 यहाँ क्लोज्ड होता बेशक यहाँ पे ओपन रहता कोई दिक्कत नहीं थी, तो तब क्या आ जाता, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल आता, तो ये चीज क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11, 10th क्वेश्चन तक सेम एज इट इज इसी टाइप से होने, तो क्वेश्चन नंबर 11th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, देखिए कि ए सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री, देखिए ए सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फारेनहाइट एंड 77 डिग्री फारेनहाइट, व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इफ द सेल्सियस फारेनहाइट कन्वर्जन फॉर्मूला इज गिवन बाय एफ। अब फारेनहाइट क्या है, फारेनहाइट की वैल्यू देगी 9 बाई 5 सी प्लस 32, ये दे दी फारेनहाइट, और वो कह रहा फारेनहाइट किसके बीच में लाई कर रहे हैं, यहाँ पे कहा 68 टू 77 डिग्री लेस देन इक्वल टू एफ लेस देन इक्वल टू 77, ओके? तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है कि यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे इक्वल टू लाइज बिटवीन कहा है, 68 टू 77 डिग्री फारेनहाइट लाइज बिटवीन, लाइज बिटवीन मींस इनके बीच में है, 68 टू 77 के बीच में है, ओके? तो अब एफ की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो ये क्वेश्चन क्या बना, 68 लेस देन 9/5c प्लस 32 लेस देन 77, ओके? अब यहां से क्या करेंगे हम, वही सेम क्वेश्चन बन गया जो 1-2 हम 6 क्वेश्चन करके आए थे एक्सरसाइज मिसलेनियस के अंदर, वही सेम क्वेश्चन बन गया, एक याद आएगा और एक यहां से हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड करना है कि ए सॉल्यूशन इज टू बी व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, मींस सी जो सेल्सियस है उसको किसके बीच में लाई करेगा, वो हमें फाइंड करना है, तो यहां से सी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कैसे होगा, 68 लेस देन 9c by 5 plus 32, एक हो जाएगा 9c by 5 plus 32 less than 77,
ओके अब यहां से क्या आया, पहले 32 को ही साइड लाइन, 68 माइनस 32 लेस देन 9c बाई 5। ओके तो ये क्या आया, 6 5 3 लेस देन 9c बाई 5। अब 36 इंटू 5 बाई 9 लेस देन c। ओके तो 20 लेस देन c यहां से आ गया। अब यहां से c की वैल्यू क्या आएगी, 9c बाई 5 लेस देन 77 माइनस 32। 9c बाई 5 लेस देन 5 45, तो c की वैल्यू क्या आएगी, 45 इंटू 5 बाई 9, तो c लेस देन 25। अब यहां से c किस किस के बीच में लाई कर रहे हैं, वो कर रहा है 20 लेस देन c लेस देन 25, ये इनके बीच में लाई करेगा स्टूडेंट। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है या इसका इंटरवल बनाना है, इंटरवल क्या बनेगा, 20 to 25, ओपन इंटरवल आ जाएगा। हमें सिर्फ इतना ही फाइंड करना था कि किसके बीच में जो सी है, सेल्सियस है, वो किसके बीच में लाई करेगा, तो 20 to 25 के बीच में वो लाई करेगा। क्वेश्चन क्लियर स्टूडेंट, तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12th है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके तो हम क्वेश्चन नंबर 12th की बात करते हैं कि ए सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डिल्यूटेड बाय एडिटिंग ए 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट। द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड इफ वी हैव 640 लीटर लीटर्स ऑफ द 8% सॉल्यूशन, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडिड। क्वेश्चन क्या है देखिए, उसने कहा क्वेश्चन के अंदर कि 8% जो सॉल्यूशन है, 60 हमारे पास है, मैं बताता हूं, एक सॉल्यूशन है कोई भी, हमें बनाना है कुछ सॉल्यूशन बनाना है, हमारे पास है दो अलग अलग सॉल्यूशन है, उन दोनों कंबाइंड करके एक नया सॉल्यूशन बनाना, जैसे आप केमिस्ट्री में करते हैं। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन तो रखा हुआ है 640 लीटर, उसमें से जो भी 640 लीटर है उसका तो हमें कितने परसेंट लेना है, 8%, और जो दूसरा है उसका हमें पता नहीं है, हमें वो फाइंड करना है। तो हमने मान लिया जो दूसरा सॉल्यूशन है जिसका कितना परसेंट लेना है, जिसका 2% लेना, उसको हमने क्या एज्यूम कर लिया, एक्स एज्यूम कर लिया। तो मेन से जो टोटल सॉल्यूशन हुआ हमारा, हमारे पास वो कितना हुआ, एक्स प्लस 640। जो भी मिक्सर होगा, दो मिक्सर हुए, मिक्सर एक तो कितना है 640 और दूसरा कितना है एक्स, पहले वाले का जो 640 है उसका कितना परसेंट लेना हमें, 8%, और जो एक्स है हमारे पास उसका कितना है 2%। क्लियर। अब उन दोनों को मिला के टोटल हमें क्या बनाना है, एक सॉल्यूशन बनाना है, वो कैसे बनेगा वो देखिए। अच्छा टोटल का आपको पता चल गया होगा, टोटल सॉल्यूशन कितना है, टोटल सॉल्यूशन लेना हमें कि एक्स प्लस 640 बन गया। और अब जो हमारा सॉल्यूशन बन के आएगा, जो भी दोनों से मिलके कोई सॉल्यूशन बनाएंगे, वो कह रहे हैं कि जो बन के आएगा वो होगा किसके 4% से क्या होगा ग्रेटर होगा और 6% से क्या होगा लेस। तो 4% और 6% के बीच में क्या करेगा, वो लाई करेगा। क्लियर स्टूडेंट, देखिए मैं इस क्वेश्चन को कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12th, 12th क्वेश्चन के अंदर क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 12th, लेट एक्स बी, एक्स क्या है, एक्स बी द क्या मिक्सचर, एक्स बी द मिक्सचर ऑफ एक्स लीटर बी बोरिक एसिड है। ओके लेट एक्स लीटर लीटर एक्स लीटर ऑफ 2% सॉल्यूशन, एक्स लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन, लेट एक्स लीटर बी 2% बोरिक एसिड एसिड सॉल्यूशन, एज्यूम कर लिया हमने, और 640 लीटर क्या हो गया,
8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन। ओके, तो अब जो टोटल मिक्सचर बना हमारा, टोटल मिक्सचर वो क्या बना भाई, एक्स प्लस 640। मीन से एक्स लीटर हमने एज्यूम कर लिया, 640 हमने दे रखा हमारे पास है, तो टोटल मिक्सचर बन गया एक्स प्लस 640। अब क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक ऐसा एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है और है इसमें एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 13, वो आप ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलेंगे, तो उसने कहा एक्स परसेंट ऑफ 2% ऑफ एक्स प्लस 8% ऑफ 640 ग्रेटर है किससे, 4% ऑफ एक्स प्लस 640 लीटर। ये चीज आपको क्लियर नहीं आई तो मैं वापस इसको रिपीट कर रहा हूं, देखिए क्या लिखा मैंने इसको, कि उसने कहा कि 2% तो किसका है, एक्स का, और प्लस 8% क्या है, दोनों को मिला के जो भी हमारा, दोनों मिक्सचर को मिला के जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो 4% ऑफ टोटल का क्या बनेगा, 4% बनेगा, क्लियर। और दूसरी जो सेकंड कंडीशन है वो क्या करे, 2% ऑफ एक्स प्लस 8% ऑफ 640 लेस देन 6% ऑफ एक्स प्लस 640। स्टूडेंट ये चीज क्लियर है, 4% से ग्रेटर होगा मोर देन, और 6% से क्या होगा, लेस देन। यहां से हमें ये बताना है कि x की वैल्यू किससे किसके बीच में लाई करेगी, x क्या होगा, कितने लीटर होगा, क्लियर। देखिए तो 2/100 इंटू एक्स प्लस 8/100 इंटू 640 ग्रेटर देन 4/100 इंटू एक्स प्लस 640, क्लियर। नेक्स्ट इसकी क्या बनेगी, 2/100 इंटू एक्स प्लस 8/100 इंटू 640 लेस देन 6/100 इंटू एक्स प्लस 640। ये चीज क्लियर। अब क्या करेंगे, हम यहां से एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 100, 100 उस साइड से 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, तो यहां आया 2x प्लस 5120, ओके, ग्रेटर देन 4x प्लस 2560। अब यहां से इसको क्या कर लेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2x माइनस 4x ग्रेटर देन 2560 माइनस 5120, तो क्या है, माइनस का 2x ग्रेटर देन क्या आया यहां से, 0, माइनस का आएगा 6, 5, तो यहां से माइनस इनइक्वालिटी चेंज, तो x ग्रेटर देन की बजाय क्या आ जाएगा, लेस देन, तो 2 से डिवाइड करो, एक्स लेस देन क्या आया, 1280, ओके। और सेकंड वाली चीज और है वो और चेक कर लेते हैं, सेकंड वाले में क्या आएगा, सेकंड का आया कि 2x प्लस एलसीएम ले रहे हम, 8 कितना आया था, यहां से चेक कर लेते हैं, 5120 लेस देन 6x प्लस 3840, तो 2x माइनस 6x लेस देन 3840 माइनस 5120। नेक्स्ट माइनस का 4x लेस देन क्या आया, यहां से 0, 8, 2, 1, अब ये आया माइनस का, तो x ग्रेटर देन, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इनइक्वालिटी चेंज हुई तो क्या हो गया, ओके, 4 3 12, 4 2 8, 3 20। अब जो हमारा x आया वो किसके बीच में लाई कर रहे हैं, ये आया x लेस देन 1280, पहले ये लिख लेते हैं, 320 लेस देन x लेस देन 1280,
इनके बीच में जो भी हमारा एक्स हमें फाइंड करना था वो इसके बीच में लाई करेगा। क्लियर स्टूडेंट? एक्स यहाँ पे ग्रेटर है और यहाँ पे भी एक्स ग्रेटर है 320 से और 1280 के बीच में। तो ये जो पूरी लैंग्वेज लिखी है, जो मैंने पूरा फाइंड किया है, इसी प्रोसीजर से हमें इसको फाइंड करना स्टूडेंट। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी क्वेश्चन नंबर 12 से। तो इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन 13 आप करोगे। एक क्वेश्चन और बच गए, क्वेश्चन नंबर 14, वो मैं करवा देता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसी क्वेश्चन जो 12th नंबर क्वेश्चन मैंने कराया, इस पे बेस्ड एक एग्जांपल है, वो भी कर लीजिए। तो ये तीन क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए कह सकते हैं, या इस चैप्टर के अंदर भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि आईक्यू है ना, जो आईक्यू क्या है कि एम ए क्या है, एम ए दे रखा उसने मेंटल एज, ओके। फिर है सी ए क्रोनिकल एज, सी ए इंटू 100। अब उसने कहा कि जो आईक्यू है ना, आईक्यू लाइज बिटवीन 80 लेस देन इक्वल टू आईक्यू, लेस देन इक्वल टू आईक्यू जो लेवल होता है वो 80 टू 140 के बीच में लाई करता है, ओके। तो हमें जो फाइंड करना है वो क्या करना है कि रेंज ऑफ मेंटल एज एम ए फाइंड करना है, एम ए फाइंड करना है। तो यहां से पहले आई क्यू की वैल्यू पुट करें, जो पीछे क्वेश्चन किया था 80 लेस देन एम ए अपॉन सी ए इंटू 100 लेस देन 140 इक्वल, ओके। तो यहां से क्या होगा, 80 लेस देन इक्वल टू एम ए अपॉन सी ए इंटू 100 एक कंडीशन, और सेकंड क्या होगी एम ए बाई सी ए इंटू 100 लेस देन इक्वल टू 140। यहाँ पे एक वैल्यू और गिवन दे रखी है, एक वैल्यू क्या गिवन दी कि जो ग्रुप है 12 इयर्स ओल्ड चिल्ड्रन, तो ओल्ड चिल्ड्रन की वैल्यू है तो क्रोनिकल एज की दे रखी हमें। क्रोनिकल एज कितनी दी उन्होंने, 12 इयर्स, वो कि क्योंकि जो बच्चों की एज होती है वो क्या है 12 years, chronicle age जो मानते हैं वो क्या होगी 12, क्योंकि MA तो हमें find करना है, तो इसका मतलब CA की value दे दी, CA की value क्या दी 12 years, तो यहाँ से CA की value कितनी है 12, तो यहाँ value put करेंगे 80 less than equal to MA upon में 12 into 100, यहाँ पे भी MA upon 12 into 100 less than equal to 140, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो गया 80 इंटू 12 अपॉन 100 लेस देन इक्वल टू एम ए, ओके। तो कितना 9.6 लेस देन इक्वल टू एम ए, और यहां से ये वैल्यू क्या आई, एम ए की वैल्यू क्या आई लेस देन इक्वल टू 140 इंटू 12 बाई 100, तो ये कितना आया मल्टीप्लाई कर लेते हैं 168, तो 16.8। तो जो MA की वैल्यू वो किसके बीच में लाई की 9.6 लेस देन इक्वल टू MA लेस देन इक्वल टू 16.8, ये आ गई हमारी मेंटल एज। तो हम चेक कर लेते हैं कि 9.6 to 16.8, तो स्टूडेंट ये चीज आपको क्लियर होगी होगी। यहाँ पे हमने जो चैप्टर नंबर 6 है वो कंप्लीट कर लिया, उसके मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करा दिए, ओके। तो जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा और मैं वहां बता दूंगा कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, क्योंकि या तो सेवंथ ही करेंगे, एट चैप्टर वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, और फोर्थ चैप्टर भी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो और थर्ड चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो भी है, तो वो मैं सोच रहा हूँ कि अभी ना करा के जब आप आए तब करा दूं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले वो आपको लर्न करना पड़ेंगे और पूरा लिखना पड़ेगा, तो इसलिए वो मैंने अभी रोक रखा है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जो सेवन चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, ओके। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।